परिवर्तन कभी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। अगर आप अपने हालातों को बदलना चाहते हैं तो आपको खुद को बदलना होगा, लेकिन ये सिर्फ तभी संभव है जब आपके अंदर बदलने लायक कुछ हो। आपको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, तभी आप उसे बदल पाओगे। और सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं होता, हिम्मत और ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान को बदलाव से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात तो यही है कि केवल अच्छी आदतें अपनाने में और बुरी आदतें छोड़ने में ही इंसान को सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं। बाकी सारे परिवर्तन बड़े आसान होते हैं। राय बदलती है, विचार बदल जाते हैं, दुनिया बदलती है, समय बदल जाता है, यहाँ तक कि इंसान का स्वभाव भी बदल जाता है, लेकिन कभी उसकी बुरी आदतें नहीं बदलती। और यही इंसान के असफल होने का, उसके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आज आप जवान हो, कल आप बूढ़े हो जाओगे। ये प्राकृतिक परिवर्तन है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आज आप मूर्ख हो तो आप कल भी मूर्ख ही रहोगे, अगर आप अपने आप में परिवर्तन लेकर नहीं आओगे। अगर आज आप गरीब हो तो कल भी आप गरीब ही रहोगे, अगर आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। इसीलिए परिवर्तन लाओ। रोज सुबह सबसे पहला काम लिस्ट बनाने का करो कि आज तुम्हें क्या क्या काम रात होने से पहले खत्म करने हैं। इससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। आपको ध्यान रहेगा कि आज का दिन आपका बिल्कुल बेकार नहीं जाना चाहिए। परिवर्तन लाओ कि आज फिजूल की बकवास करने की बजाय अपने मुंह से केवल काम की बात ही निकालोगे। इससे समय के साथ साथ लोग आपकी इज्जत भी करेंगे और आपकी बात की वैल्यू भी बढ़ेगी। परिवर्तन लाओ कि आज आप कुछ अच्छा सीखोगे, जो भी देखोगे अच्छा देखोगे, जो भी सुनोगे अच्छा सुनोगे, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। फिजूल की चीजों में समय खराब नहीं करोगे। परिवर्तन लाओ कि आज आप कम से कम एक घंटे कोई अच्छी किताब पढ़ोगे या एक अच्छी ऑडियो बुक सुनोगे, जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आए, आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी ग्रोथ हो। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आपके हाथ में हजारों ऑडियो बुक्स का खजाना है। द पावर ऑफ हैबिट, द आर्ट ऑफ प्रेजेंट, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जैसी कई हजारों सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक को सुनकर आप अपनी सोच और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इतनी सारी अच्छी ऑडियो बुक्स आपको कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कुकू FM एप्लीकेशन, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। बिना डिस्ट्रेक्शन के ऑडियो बुक सुनने के लिए कुकू FM सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक तो यहाँ पर आपको हजारों ऑडियो बुक्स का कलेक्शन मिलेगा, जिनसे हर रोज आप कुछ नया सीखोगे, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सी ऑडियो बुक्स को आप बिल्कुल फ्री में सुन सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका प्रीमियम प्लान भी ले सकते हो, जो ₹1 दिन से भी ज्यादा सस्ता है, लेकिन उससे आपके लिए अनलिमिटेड नॉलेज का रास्ता जरूर खुल जाएगा। प्रीमियम प्लान 399 का है, जो कि पूरे एक साल का है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कोड दिया है जो है Voice20। इसे यूज करके आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, मतलब ₹319 में आपको साल भर अनलिमिटेड ऑडियो बुक्स एक्सेस करने मिलेंगे। ये करीब 87 पैसे पर डे है। आपको खुद नहीं पता आप दिन भर में कितने पैसे फिजूल खर्च कर देते हो, तो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी हैबिट को सुधारने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए 87 पैसे पर डे कोई ज्यादा महंगा नहीं है, और इसीलिए ये मैं आपको रिकमेंड भी कर रहा हूँ। तो अपने स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए कीजिए, अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए कीजिए। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और ये आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। वीडियो के अंत में बस इतना कहूंगा कि अब आपको मोटिवेशन की नहीं, सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और ये तभी होगा जब आप अपने मन में ये बात ठान लोगे कि आपको अपने अंदर एक ऐसा चेंज लेकर आना है जो आपके बाहर के हालातों को बदल कर रख दे। महात्मा गांधी के शब्द थे, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। खुद को बदलो, हालात स्वयं बदल जाएंगे।